सिख फॉर जस्टिस के सरगना और खालिस्तानी समर्थक पन्नू ने 3 जून को पंजाब की ओर सभी रेलगाड़ियां ना चलाने की कॉल दी हुई थी, जिसको लेकर अंबाला पुलिस भी पूरे अलर्ट पर नजर आ रही है। अंबाला के साथ साथ कुरुक्षेत्र के जीआरपी थाना अध्यक्ष को भी फोन पर धमकी दी गई, जिसमें कहा गया है कि 3 जून को कोई भी रेलगाड़ी पंजाब ना जाए, जिसे लेकर जीआरपी और आरपीएफ ने अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन पर एक स्पेशल चेकिंग अभियान चलाया। इस अभियान में सुरक्षा बल ने डॉग स्क्वाड की भी मदद ली। एसएचओ थाना जीआरपी ने कहा कि ये चेकिंग सिख फॉर जस्टिस द्वारा धमकी के बाद दी जा रही है। ये थ्रेट डीएसपी माननीय डीएसपी ब्रिज कुमार हेडक्वार्टर जीआरपी के मोबाइल पे आई है, ट्वीट आया है उनकी तरफ से, खालिस्तान तरफ से कि भाई रेल ना चलाया जाए कल की डेट में। और तो इसको देखते हुए हमने चारों तरफ सुरक्षा की व्यवस्था की है, हर आने जाने वाले यात्री को चेक कर रहे हैं और ट्रेनों में सुरक्षा बढ़ाई गई है, जिससे कोई अप्रिय घटना न घटे और ये मद्देनजर सुरक्षा काफ़ी चौगुन रखी है। सिख फोर डिस्ट्रिक्ट की तरफ से आई है और उसने कहा है कि भई रेल ना चला जाए कल डेट में। इस बारे में कल भी एक संदेश एसएचओ जीआरपी कुरुक्षेत्र के मोबाइल पर आया था, जो मेरे मोबाइल में है वो आवाज़ आपको सुना सकता हूँ, जिसने उसने कहा है कि रेल ना चल जाए, आप अपने अफसरों को कहो कि भाई ये हमारी बात सुनी जाए। वही बात देखते हुए आरपीएफ जीआरपी और अन्य एजेंसियाँ इसके लिए यात्री सुरक्षा के लिए तत्पर हैं। बिल्कुल ये अलग से पुलिस पार्टी आई है, अलग से दो स्क्वाड आ रहा है चेक करा रहे हैं हर गाड़ी को, और हमारी कोशिश ये है कि ट्रेन चले और यात्री सुरक्षित अपने घर पहुँचे।